की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना एक सीक्रेट जो है वो आपको बताना है तो दोस्तों आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है जो लोग वीडियो को मुकम्मल नहीं देख पाएंगे तो वो कभी भी अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते वो अपनी वीडियोस पे कभी भी व्यूज़ नहीं ला सकते क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है हार्ड वर्क तो हर कोई करता है लेकिन स्मार्ट वर्क जो है वो कोई कोई करता है दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने मेरे चैनल का एनालिटिक्स जो है वो ओपन है तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मेरी वीडियोस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं मेरा चैनल किस तरह से ग्रो कर रहा है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ लास्ट 48 घंटे के अंदर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो तीन हज़ार आठ सौ सात हैं लास्ट अड़तालीस घंटे के अंदर तीन ये यह देखें यहाँ पर व्यूज़ बढ़ रहे हैं ठीक है आठ व्यू हो चुके हैं अब दोस्तों राइट साइड पर लास्ट सिक्सटी मिनट के जो व्यूज़ हैं वो एक हैं अगर आप यहाँ पे हॉर से देखेंगे तो यहाँ पे अभी व्यूज़ बढ़ेंगे और ये व्यूज़ बढ़ ही बढ़ रहे हैं कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहे यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं आखिरी घंटे के अंदर ही ये सारे व्यूज़ आ चुके हैं यहाँ पे दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो पर लास्ट अठतालीस घंटे के अंदर एक व्यूज़ आ चुके हैं और आखिरी घंटे के अंदर यानी कि अभी जो आखिरी घंटा चल रहा है इसमें बावन व्यूज़ हैं और ये नीचे एक वीडियो है इस पर भी आप देख लें हाउ टू मेक सॉरी हाउ टू मेक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस पर आप देख लें हाउ टू वेरीफाई गूगल एडसेंस इस पर भी लगातार व्यूज़ आ रहे हैं ठीक है और नीचे भी व्यूज़ आ रहे हैं और ये व्यूज़ कभी कम हो जाते हैं और कभी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे आप एक सौ बहत्तर दिखा रहा है कभी यहाँ पे पाँच सौ व्यू आ जाएंगे कभी सात सौ व्यू आखिरी घंटे के अंदर आ जाएंगे तो दोस्तों ये सीक्रेट क्या है अगर आपने यहाँ पे वीडियो को इग्नोर कर दिया तो फिर कोई भी फायदा नहीं है आपके चैनल पर कभी भी व्यूज़ नहीं आएंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें क्योंकि ये एक सीक्रेट एक ट्रिक है जिससे आपके चैनल पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो दोस्तों अब चलते हैं कि कोई एक वीडियो जो है यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वीडियो इस पर एक हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं यहाँ पे इसके एनालिटिक्स के ऊपर मैं जाता हूँ अब दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का एनालिटिक्स जो है ओपन हो चुका है और व्यूज़ आप देख लें एक हज़ार तीन सौ हैं वास्ट टाइम सात हज़ार कितना सॉरी सात घंटे तकरीबन सात घंटे से ज़्यादा हो चुका है सात हज़ार बोल गया हूँ भाई सात घंटे ठीक है और रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ पे अभी अपडेट होगा कल उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों गौर से देखें तो ट्रैफिक सोर्स जो है वो प्ले है यानी कि मेरी वीडियो पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो प्ले से आ रहे हैं और यहाँ पर एक व्यू सिर्फ प्ले से आ चुके हैं यहाँ पे YouTube सर्च है तो यहाँ पे कम व्यूज़ हैं नोटिफिकेशन वो भी कम व्यूज़ हैं क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर जो है हमारे वो वीडियो को देखते तो है नहीं इसलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन से जो व्यूज़ आएँ वो कम ही हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ लास्ट अठतालीस घंटे के अंदर एक हज़ार तीन सौ छत्तीस व्यूज़ आ चुके हैं अब यहाँ पे मैं करता हूँ लास्ट सिक्सटी मिनट आप देख लें लास्ट सिक्सटी मिनट के अंदर प्ले से काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं और आपके सामने हैं ठीक है ये देखें अभी भी व्यू आ रहा है आपके सामने रियल टाइम में और नीचे है यूटूब सर्च यूटूब सर्च से बहुत कम व्यू हैं लेकिन प्ले जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यू आ चुका है प्ले से रेंच पर मैं दोस्तों क्लिक करता हूँ अब यहाँ पर आप देखें इम्प्रेशन जो है मेरी वीडियो को यूट्यूब ने कितने लोगों तक पहुंचाया तो चार हज़ार नौ सौ लोगों तक पहुंचा चुका है यूट्यूब इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है वो तो टेन इशारे थ्री परसेंट है व्यूज़ आपने देख लिए हैं यूनिक व्यवर दे भी देख लें उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्ले से जो व्यू आ रहा है ये किस तरह से आ रहा है इसका क्या सीक्रेट है तो दोस्तों वीडियो के साथ अगर आप बने हुए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है आपको समझ आ जाएगी तो अब मैं चलता हूं दोस्तों और आपको बताता हूं कि ये सीक्रेट क्या है इसका क्या राज है ये कैसे हुआ और आपने अपने चैनल को किस तरह से ग्रो करना है उस पर व्यूज़ को किस तरह से लाना है दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब की जो ऐप है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे चैनल का जो लोगो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं जाता हूँ योर चैनल के ऊपर अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ट्रैफिक सोर्स दिखाया कि प्ले से जो है व्यूज़ आ ही आ रहे हैं तो मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी प्ले जो है मैंने हर एक वीडियो की बना रखी हैं इतनी ज़्यादा नहीं बनाई लेकिन ये मेरी प्ले जो हैं ये रैंक कर चुकी हैं ठीक है, है इसलिए प्लेलिस्ट से मुझे ये व्यू शो कराया जा रहा है अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी ये एक वीडियो है जिसका मैंने मैं जिसकी प्ले लिस्ट बनाई है इस पर तकरीबन अट्ठारह हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं ठीक है इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर मेरी एक वीडियो जो है एड है जो कि टैग के हवाले से है ऊपर टाइटल जो है मैंने दिया हुआ है हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग्स फ़ॉर यू वीडियोस अब दोस्तों आपने करना कि आपने प्ले लिस्टें बनानी है यहाँ पे एक टाइटल है ना हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग फॉर यू वीडियोस तो आपने टैग यानी कि यूट्यूब के जो टैग्स होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं कमस कम अज़ कम सौ प्लेलिस्ट आपने बनानी है क्योंकि दोस्तों सबसे मेन चीज़ होती है टाइटल लोग आपकी वीडियोस को डिफरेंट टाइटल से सर्च करते हैं लोग यूट्यूब पे डिफरेंट टाइटल से कोई उर्दू में सर्च करता है कोई किस तरह सर्च करता है कोई शॉर्ट की में सर्च करता है कोई लॉन्ग की में सर्च करता है तो हर किस्म के जितने भी यूट्यूब की सर्च के अंदर की दिखाए जाएंगे वो आपने कापी करना है अब मैं आपको बताता दूँ आपने करना क्या है दोस्तों ये देखें आप यहाँ पे एक टाइटल है हाउ टू फ़ाइंड बेस्ट टैग फॉर यू वीडियो तो मैंने दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब के अंदर ही सर्च करना है जैसा कि यहाँ पे मैंने सर्च किए हुए हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग फॉर यूट्यूब इसको मैं क्लिक करता हूँ अगेन मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सर्च बार पे अब दोस्तों जो मैंने एक प्ले बनाई है वो हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग फॉर यूट्यूब वीडियो के लिए अब मैंने क्या करनी है मैंने दूसरी एक प्ले बनानी है इसी तरह से आपने सौ प्ले डिफरेंट टाइटल से बना लेनी है अब जो दूसरा यहाँ पे टाइटल हम यूज़ करने वाले हैं वो है वायरल टैग कैसे पता करें तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा अगेन सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और दोस्तों इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है ठीक है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से कॉपी किया बैक आया अब आपने जाना है अपने चैनल पर लोगों पर यूर चैनल पर चले जाना है अब दोस्तों आपने वीडियोस के अंदर जाना है और जो आपकी वीडियो टैग के हवाले से है ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ठीक है तो ये टैग के हवाले से है इस पर एक प्ले मैंने बना रखी है अब मैं तीन डॉट्स पर क्लिक करूँगा यहाँ पर सेव टू प्ले का ऑप्शन इस पर क्लिक करूँगा अब दोस्तों यहाँ पर न्यू प्ले का एक ऑप्शन इस पर मैं क्लिक कर दूँगा अब वो टाइटल जो है मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है तो चलें जी यहाँ पे हम इसको पेस्ट करने वाले हैं ठीक है यहाँ पे हम क्रिएट करें एक न्यू प्लेलिस्ट उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट तो इसको मैं पब्लिक कर दूँगा यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट का इस पर आपको क्लिक कर देना है अब दोस्तों हम जाते हैं प्ले के अंदर इसको मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक प्ले बन चुकी है वायरल टैग कैसे पता करें दोस्तों इसी तरह से आपने सौ प्लेलिस्ट ने कम से कम बनानी है डिफरेंट यानी कि कीवर्ड से जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो कर सर्च करके दिखाया है यहाँ पे जो नीचे शो हो रहे हैं ना दोस्तों यूट्यूब की सर्च में ये वाले जो कीवर्ड हैं इन सब के ऊपर आपने प्ले लिस्टें बनानी है जैसे मेरी वीडियो टैग के हवाले से थी यूट्यूब के टैग्स के लिए तो मैंने टैग्स के हवाले से जितने भी यहाँ पर की हैं इन सब पे प्ले बनानी है तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल पर व्यूज़ आ रहे हैं और यही सीक्रेट है कि आपने प्ले लिस्टें प्रेस बनानी है अपने वीडियोस की एक टाइटल एक वीडियो की यानी कि एक वीडियो की बहुत सारी प्ले लिस्टें आपने बनानी हैं लेकिन उसमें टाइटल जो होगा वो डिफरेंट होगा वीडियो से रिलेटेड होगा लेकिन यह है कि आपने पचास से सौ टाइटल की प्ले लिस्टें बना लेनी है तो आपके सामने मैंने भी प्ले लिस्टें बना रखी हैं तो मुझे भी व्यूज़ मिल रहे हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आ जाए तो लाइक कर देना चैनल पर जो लोग न्यू हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज